अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त उमर लजनी आपके सामने फिर से। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली बिजी रहता हूँ, यहाँ पे टूरिस्ट सीजन चल रहा है तो हमारा भी काम बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, होप कि आप सब ठीक हो और घर बार आपका सब ठीक ठाक। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती है और मैं चाहता हूँ हमेशा जो भी मुझे कुछ याद आता है ना, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से या हिंदुस्तान के बाहर से भी फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ, जितना भी हो सके मैं जवाब देता हूँ। लेकिन आपको इतना सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि आप अगर मुझे कॉल करते हो या मैसेज करते हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ संडे के दिन आप मैसेज या कॉल कीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ डेज आप शाम के 8 बजे के बाद मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बिजी रहता हूँ तो मैं फील बहुत होता है मुझे जब मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तुम लोगों को। तो क्या है, आज मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें बहुत काम आती है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये, मेरे एक भाई ने मैसेज भी किया, वो फ़ोन भी किया, जो रात में कबूतर उड़ते हैं हमको कैसे पहचाना जाए। कबूतर बहुत अच्छी ब्रीड्स भी होती है, वो उड़ते भी है, लेकिन उनमें क्या होता है, उस रात को उड़ नहीं पाते। रात को अगर उनके बच्चे उड़ते या वो खुद उड़ते वो खो जाते। तो पहचान ये है कि जो प्यूपिल होता है हमारा, प्यूपिल बोलते हैं जो आँख के बीच में होता है वो ब्लैक कलर का डॉट, वो जितना कबूतर में छोटा होगा उतना बढ़िया है। जितना छोटा होगा उसका मतलब है कि वो रात को भी उड़ सकता है। अगर वो शाम के 3 बजे भी उड़ेगा तो रात भर भी उसको मतलब वो कर सकता है, उसको अंदाज़ा होता है, वो रात की जो रोशनी होती है उसमें भी उसको दिखाई देता है कि मैं कहाँ पर उड़ूँ। जो ये प्यूपिल होता है ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट, ये एक बात। दूसरी बात, मैं स्ट्रेंजर पिजन जो हम पकड़ते हैं, पराए कबूतर जो हम पकड़ते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा कोई वायरस आपके लॉफ्ट को हो जाता है, फिर आप कबूतर रखते हो धूप में, आप नए जो पुराने कबूतर हैं आप उनको भी रखते हो, बीमारी उड़ गई तो उन पुरानों में से कोई भाग जाता है, फिर मैं पकड़ लेता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको कम से कम 1 हफ्ते अपने लॉफ्ट में नहीं रखना है। मैंने पकड़ा अलग करके कबूतरों से, क्योंकि उसके साथ अगर बीमारी होगी, चाहे बीमारी ना भी हो, लेकिन आपको हफ्ते अलग रखना ही रखना है। क्योंकि जैसे आप 1 हफ्ते कबूतर अलग रखोगे, उससे क्या होगा, बीमारी जो उसको होगी तो पहले तो आपको पता लग जाएगा 1 हफ्ते के अंदर कि उसमें बीमारी है, तो उसको उसके लॉफ्ट में रखोगे ही नहीं। अगर हफ्ते में आपको कोई भी बीमारी का लक्षण नज़र नहीं आ रहा है तो उसको आप अपने लॉफ्ट में रख सकते हो, कम से कम हफ्ते रखो। और एमोक्सिलिन 500 आता है, जैसे पकड़ोगे कबूतर को अगर लगता है कि थोड़ा लेजी है, एमोक्सिलिन 500, या तो अगर लेजी भी नहीं है, एमोक्सिलिन 500 का थोड़ा सा पाउडर उसके मुंह में डालो और 5 ml पानी डाल दो, अगर उसको होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा। तो दूसरा एक अहम चीज़ मुझे बताना आपको, कि कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई मैसेज करके नेगेटिव कमेंट्स करता है, नो इशू ऑन दैट। लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, भाई आप एक वीडियो बना के देखो, फिर एक वीडियो में देखता हूँ मैं आपको कितने सारे सब्सक्राइबर बनेंगे। आप अपनी चैनल बनाओ, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी नॉलेज को कितना सहा मतलब अप्रिशिएट करते हैं लोग। दूसरी एक बात, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेक 100% प्योर ब्रीड, तो बहुत सारे लाइक्स लोगों ने वैसा तरीका इस्तेमाल भी किया, और इवन कुछ ऐसे लोग मैंने वीडियो देखे, उन्होंने मेरे वीडियो सेम मेरा जैसे ग्रैब बनाया मैंने, उसमें कैसे कैसे किस किस को नर को मादा को कैसे मिलाना है, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही वीडियो बनाया। लेकिन उनको मैंने 4 महीने पहले बनाया, वो उन्होंने 1 महीने पहले बनाया। तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड्स को, जो कि इतना मुझे समझते हैं कि मेरा वीडियो कॉपी करके मेरा ही वीडियो बनाते हैं, तो अच्छी बात है ये, तो अभी करना चाहिए ये। बाकी बिल्कुल हाँ, बात करते हो मैं हमेशा बात करूँगा, चाहे वो छोटे से छोटा वाला बच्चा हो, बड़े से बड़ा हो, मैं हमेशा हर एक के साथ बात करता हूँ। लेकिन हमेशा लोगों को अपने मैनर्स में बात करनी चाहिए, तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स आज हाँ, और एक ज़रूरी बात, जो कबूतर पर झाड़ता है, जो उसके पर होते हैं, जब वो पर निकालता है ऐसे उसके पंख निकलते हैं, आप कभी देखते हो अपने लॉफ्ट में, एक ऐसा सीज़न आता है लॉफ्ट में तो बहुत सारी परें निकली हुई होती है, तो उसमें मैसेज करते हैं मुझे लोग, कॉल करते हैं कि भाई कबूतर पर झाड़ रहा है। पर झाड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है,
उससे क्या होता है, उससे बीमारी कम हो जाती है, जो कबूतर पर झाड़ता है उसको बीमारी नहीं होती है उतनी ज़्यादा, ठीक है, तो पर झाड़ना ज़रूरी है। दूसरा, पर झाड़ने के टाइम कबूतर ये ना मेट ज़्यादा नहीं करता है, मतलब जो कबूतर मादा के साथ ये करता है तो वो कम हो जाता है उसके पर झाड़ने के टाइम। तो हम क्या करेंगे, पर झाड़ने के टाइम अगर कोई कबूतर पर नहीं झाड़ता है तो मेरी एडवाइस है कि उन कबूतरों का पर निकाले, गर्दन के ऊपर परों के बगल में पर निकाले, तो उससे क्या होगा, एक्चुअली मेरा फ्रेंड यहाँ पे आके सिंपली हंसी आ रही है, ही इज जस्ट वॉचिंग मी, दैट्स वाई आई फील लाइक शाय एंड लॉफिंग। सो वॉट यू हैव टू डू, यू रिमूव द फर, रिमूव करो जो पर नहीं झाड़ रहा साल में, क्योंकि साल में एक बार पर झाड़ना चाहिए, जो पर झाड़ता है वो ठीक रहता है, हेल्थ क्योंकि सर्कुलेट होता है, ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, नया पर आते हैं उसके लिए खून लगता है, तो उसके लिए उसके अंदर तो खाली छोटी कटोरी खून भी नहीं निकलेगा पिजन के अंदर, तो क्या होता है जब वो पर निकलते हैं उसको वो नया खून होता है, वो सर्कुलेट होता है, तो बीमारी बहुत कम अटैक करती है। जो नहीं झाड़ते उसको निकालो आप खुद गर्दन के ऊपर, परों के नीचे, ठीक है, या टेल निकालो, टेल में से ये पंख निकालो, तो पर झड़ने से, और मेटिंग भी उस टाइम पे कम करता है, ठीक है, और खाना भी थोड़ा कम ही खाता है, मेटिंग ऑब्वियसली ये उनका अपना सिस्टम होता है, जिस टाइम पे पर झड़ते हैं उनकी ब्लड सर्कुलेशन होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो मेटिंग नहीं करते उस टाइम पे, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ आऊँगा मैं, तो फ्रेंड्स इतना कहूँगा, खुश रहो और हैट्रेडनेस मत फैलाओ, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बी हैप्पी, ट्राई टू शेयर योर गुड मोमेंट्स विद पीपल, हैट्रेडनेस मत रखो इस धर्म के लिए उस धर्म के लिए, ठीक है, यू विल रियली गो अहेड, ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट।